एट टू फोर ड्रॉप फोर। अब मत सुना माधुर। टेक थ्री एक्शन। तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलता है खूब सारा बकचोदिया और क्या नहीं मिलता है, जीरो एड्स, जीरो एड ब्रेक्स। तो बने रहिए हमारे साथ और बनते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल यूं ही। तो भाई आज हम लोग क्या लेके आए हैं परोसने के लिए? चौथी बूंद लेके आए हैं डंकी की। डंकी की चौथी बूंद लेके आए हैं। देखो डंकी की बूंद है क्योंकि डंकी ने हक दिया था, मुंह दिया था। अब देखते हैं, अभी देखते हैं के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। तो ये एक तरीके से ऑफिशियल ट्रेलर है, इसमें यही लिखा हुआ था डंकी ड्रॉप फोर राजकुमार हिरानी शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान की मूवी। और हम लोग इस पे करने वाले हैं निट पिकिंग रिएक्शन, नॉट ओनली रिएक्शन, क्योंकि ये जो आजकल के दल्ले फैंस है ना, इनको सिर्फ माता जो अच्छा सुनना होता है, बाप माँ के लिए नहीं, मगर जो स्टार है उसके लिए। तो हम लोग झांट झांट सी गलतियां निकाल के आपकी झांट जलाएंगे। तो तैयार रहिए, देखते रहिए। तो शुरू करते हैं ड्रॉप फोर। जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा। यहाँ मिले चार उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। ट्रेन वाला शॉट बहुत ज्यादा नहीं हो गया हर मूवी में? चेन्नई एक्सप्रेस ही लगा। हाँ वही, मैं भी पहली बार देखा ना, तो मेरे को लगा उसका सीक्वल है। हाँ मुझे भी भाई, हर ट्रेन भाई, हर मूवी में ट्रेन ट्रेन घुसाए दे रहा है। चल छैया छैया करने आ गया फिर से। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बुगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखा दे, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा से फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। नमूना ही है ये, तापसी तुम समझो, ये नमूना ही है। गलत कुछ भी घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धम चिक पक धम लुट पुट गया, लुट पुट गया। ये तो इसने बोला गर्ल वाली फ्रेंड। आज की दुनिया में कौन ऐसा झाटू रह गया है जो गर्लफ्रेंड ना बोल पाता हो? पर इसको ये पता नहीं कॉमेडी की तरह से लगी। ये चीज अभी तक, ये चीज आज के मिनट हो गए, कोई भी 10 साल पहले वो था नहीं आई, ये भी थोड़ी भी नहीं आई। एक तो बहुत खराब गाना है भाई वाला। भाई तो मैं तो गया, मैं तो मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यार मुझे ये बताओ, इसमें अभी लिखा हुआ था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ लगे रहो मुन्ना भाई, ये चीज लिखने से, ये चीज डाल देने से तुम जो मूवी अब बना रहे हो अच्छी थोड़ी हो जाएगी भैया। ये मूवी तो यही मूवी रहेगी ना, और क्या। तुमने पहले अच्छी बनाई थी, अब तो हक रहे हो। मुन्ना भाई MBBS के मेकर्स ने अगर यहाँ पे ला दिया है तो जरूर थोड़ी है कि हाँ पत्थर की लकीर की अच्छी ही बनी। तो क्या उन्होंने 2-3 मूवी बनाई क्या? मुन्ना भाई MBBS जो हिट हो गई उसका नाम लिख दिया, बाकी तो लिखो जो फ्लॉप हो गई होंगी। थोड़ी बातें जोतते हैं आके यार, मुझे पता नहीं किसने बनाई है। लिखा तो था मेकर्स ऑफ तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भाषा पंजाबी का? 100 साल राज करके गए अंग्रेजों में, जब यू यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? चल बे वतना। ऐसा होता है, मेरे क्वेश्चन से आगे माइंड में, ऐसा होता है कि अगर हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते? अगर टेक्निकल प्रोसीजर से जाओगे, मतलब जो ओरिजिनल प्रोसीजर है आईएलटीएस वाइल्स के, इस तरीके से जाओगे, क्योंकि आईएलटीएस के बाद वहाँ पे आदमी पढ़ने के लिए परस्यू करने के लिए जाता है, तो उस चीज में कम्युनिकेशन आना चाहिए। अगर ट्रिप ट्रिप के लिए जा रहे हो तो भाई अंगूठा छाप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट होना चाहिए, और जॉब करने आ रहे हो तो लैंग्वेज आनी चाहिए। जितने पंजाबी अभी कनाडा नाडा में है अभी, तो सबको इंग्लिश भयंकर आ रही है। थोड़ी बहुत इतनी आती है कि वो लोग क्वालिफाई कर ले,
फिर वहां पहुंच के तो फिर मोहाली वही है धीरे धीरे चीजें फिर मिलांगे सॉरी भाई हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था वरना कोई अपना देश अपना परिवार अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी जय हिंद इसने ये मेकअप क्यों किया बुढ़ा लगने के लिए तो बुढ़ा लग ही रहा है क्या है ना कि जवान मूवी अभी थोड़ी देर पहले आई थी हाँ। ब्लॉकबस्टर थी तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो डालना पड़ेगा ना ताकि उसी फ्लो में रहे मगर वो मेरे को स्टार्टिंग से बुढ़ा लग रहा था इसमें देख के मुझे अलग नहीं लगा सिर्फ दाढ़ी आ रही है सफेद करा बस रियल फेस में आया ज्यादा सही लगता जो भी है अब तो नेचुरल लगता ना तो ये क्या दिखाना चाह रहा है कुछ नहीं बस इसको यही आता है यार आना नहीं है उसको चलो 3 सेकंड के पहले देखो देख इसको खत्म कर देते हैं पहले इक्कीस दिसंबर को आ रही है मत जाना मजा नहीं है आपका पैसा बर्बाद करने के लिए थिएटर में एक चीज डाली जा रही है जैसे एनिमल ने कराया ना खराब मैं एनिमल भी सोच रहा था कि इसी में बात करके निपटा देते हैं एनिमल भाई बात करने लायक ही नहीं है मैं तो कह रहा हूं बहुत कौड़ी की मूवी मारता है ऐसा लगा कि पैसा कैसे बर्बादी है ना फुल मतलब किसी के मन में ऐसा थॉट ये किसी का फिक्शन स्टोरी हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई तुम एक इंसान के अंदर रेज क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो हर बात पे चटियाना क्यों जरूरी है तो उसको तरीका ही नहीं पता कैसे बात करनी है कैसे किससे बात कर रहा है लड़कियों ने तो गाड़ी फाड़ दी है उसमें बाप के लिए थोड़ी उसमें लड़कियों को कैसे डोमिनेट करते हैं दिखाया गया ऐसा तो इतना बढ़िया लग रहा भाई वो पैड वाली बात किया था उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा पूरा मजाक बनाया कि मैं दिन में 4-5 बदल रहा हूँ तुम तो महीने में बदलती हो ये चुपचापा ही है अब तो उसका स्टंप वो निकल रहा था ना मूत निकल रहा था ना हाँ तो भाई उसके जब बकचोदी की वजह से निकला था ना वही है कि वो अपने आगे सुनी नहीं ना किसी की वही तो मेरे हिसाब से उसका करेक्टर ऐसा दिखा दिया गया कि बेकार को मतलब वो करेक्टर क्यों था और लोग पता उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या कहते हैं अपने शायद कपूर वाले मूवी कबीर कबीर उसका मेकर ही है ना जिसने बनाया मेकर है तो मेकर उससे स्टोरी तो थी भाई वो स्टोरी अलग हो गई मगर वो भी रीमेक था ना बात तो उसने जो एनिमल भी किसी ने और पहले बनाई होती अच्छी बन जाती साउथ की होती है कर दे दिया होता तो बट साउथ की डायरेक्टर है ना नहीं तो जिसने कबीर सिंह बनाई थी उसका उस जो उसका ओरिजिनल मेकर था उसी डायरेक्टर उसने भी हां उसी ने ये मूवी बनाई थी ये सेम डायरेक्टर तो फिर अब यहां क्यों भाग दिया आके वैसे मतलब इसमें भी होगा इसमें भी आगे नहीं अभी देख के तो करीब 3 मिनट का ट्रेलर है लेकिन मजा तो नहीं आया एक भी मेरे को तो थोड़ा भी नहीं आया भाई जो एक्सपेक्टेशन थी राजकुमार ईरानी से वो चीज नहीं आई क्योंकि इसने लेजेंडरी मूवीज दी हैं जैसे कि आपका 3 इडियट हो गया हर एक चीज मतलब 3 इडियट राजकुमार ईरानी का थॉट प्रोसेस नहीं है ना वो तो एक नॉवेल के ऊपर से उठा लिया है चेतन भगत की सही बात है तो बात सही है कि जब आपकी खुद की गांड के ऊपर कुछ आएगा करने के लिए तो आप लकीली मुन्ना में भाई मूवीज पता नहीं कहाँ से उठाई इसने मुझे नहीं पता क्या पता उड़ गई पहली हो कुछ भी बोलेंगे मेन ये लोग यही सोचते हैं बड़े स्टार को ले लो ठीक है पैसे फूंक दो बढ़िया लोकेशन ले लो और चाहते हैं कि बहुत थोड़ा वीएसएल लगा दो सूट स्टोरी में सीन्स लगा दो आजकल बिल्कुल आजकल नया ट्रेंड क्यों आ गया एक्शन सीन और इसे उसे दिखाने मार क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज अब स्टोरीज बनाने लगी है ना तो ये लोगों को लग रहा है कि एक्शन दिखा के वो आए एक्शन दे साउथ इंडियन वाले मगर अब वो लोग स्टोरी प्लॉट ये सब लेके आ रहे कंतारा मूवी का देख लो क्या सीन हो रहा है इनको लग रहा है कि साउथ इंडियन में तो थोड़ा थोड़ा सा स्टोरी होती है देख लो हां सलार जैसे वो थोड़ी सी चुतियापा आई है तो मतलब मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है सबसे बड़ी इंडस्ट्री अपने देश की ये क्या क्यों कर रही है ऐसे भाई उनको लेके चलना ही क्यों है जैसे अनिल कपूर है पुराना चेहरा है हीरो ही हुआ करता था बट अब उसके रोल चेंज कर दिए और जो रोल अच्छे से कर रहा है अच्छे से कर रहा है बस सलमान खान और शाहरुख खान दोनों अपने वही रोल में बने हुए हैं सब मूवी की पैसा कमा रहे हो तो क्या ठीक है वही है कि इसको अगर हम YouTube से कंपेयर करें क्योंकि ये लोग भी कंटेंट क्रिएट करके डाल रहे हैं सीधा सीधा बड़े पर्दे पे और यूट्यूबर्स उसको एक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं तो मुझे ये लोग लगे किसकी तरह जैसे फुकरा इंसान हो गया उसके बाद एक और वो कौन है
पंजाबी सिंगर है जो कनाडा में रहता है, करण औजला, करण औजला वो हो गया। इन लोगों के फैंस हैं वो पचकान बुद्धि वाले, इन लोगों को क्रिटिसिज्म नहीं समझ में आता है, इन लोगों को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है कि हाँ भाई ये हमारा है, इसने हक भी दिया होगा तो हम तो भैया परोस के खा लेंगे उसको, हमें दिक्कत नहीं, आंख बंद करके उसी रास्ते चलते रहेंगे। हाँ, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म होता है। बिल्कुल। अब जैसे और हाइप की भी भूखी है जनता थोड़ी सी, इसकी अनुपने जैसे एनिमल की सिर्फ हाइप क्रिएट हुई है पहले इंटरनेट, नहीं तो अभी लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं घोड़ा नहीं बन सकता तुम, क्या कहते उसको उसके नीचे से ही घुसो, क्रॉस करो, चलो टाटू मूवी होगी लिख के देता हूँ, अच्छी होगी तो आ जाना सब्सक्राइब करने, कोई बात नहीं, चित्र भी मेरा, पट भी मेरा, देख लो उसकी बात है, गोल मतलब एट लास्ट यही कहना चाहेंगे, पैसा बर्बाद है, देखने ना, पर ऐसी में देख लेना, चलो ठीक है, ओके बाय, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।